तो गाइज ये है वो मेन दर्रा जहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। ये देखो आप, ठीक है, ये है वो मेन दर्रा, ठीक है, जो आपको दिखाया था मैंने, जहाँ पे इंट्रो लिया था, जहाँ के लिए मैंने बोला था वो मेन दर्रा नहीं है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ये पहाड़ को काट के बनाया गया है, ये मेन हल्दीघाटी जो दर्रा है ना, जहाँ से मतलब महाराणा प्रताप के समय ने छापा मार युद्ध किया था अकबर की सेना पर, तो ये वो जगह नहीं है, मेन जगह आगे है, वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हल्दीघाटी। वो हल्दीघाटी प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कर्म भूमि। तो गाइज आज का व्लॉग अपन स्टार्ट करते हैं, तो गाइज आगे चलते हैं, आपको दिखाता हूँ ये मेन दर्रा नहीं है। एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो ये पहाड़ को काट के बनाया गया है, ये मेन हल्दीघाटी जो दर्रा है ना, जहाँ से मतलब महाराणा प्रताप के समय ने छापा मार युद्ध किया था अकबर की सेना पर, तो ये वो जगह नहीं है, मेन जगह आगे है, वो आपको मैं आगे दिखाता हूँ। क्योंकि एक्चुअली वहाँ पर अभी जाना अलाउड है नहीं, गवर्नमेंट ने वहाँ पर मतलब बैन कर रखा जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर है, उस दर्रे को बंद कर रखा है। वहाँ पर एक गेट लगा हुआ, गेट में ताला लगा हुआ, कब का ताला लगा हुआ ये भी पता नहीं, क्योंकि जंग लगा हुआ गेट के ताले। मैं एक्चुअली पहले जाके देख के आ गया हूँ, तो वहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो है मेन हल्दीघाटी। तो गाइज ये है वो मेन दर्रा जहाँ पे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। ये देखो आप, ठीक है, ये है वो मेन दर्रा, ठीक है, जो आपको दिखाया था मैंने, जहाँ पे इंट्रो लिया था, जहाँ के लिए मैंने बोला था वो मेन हल्दीघाटी नहीं है, मेन हल्दीघाटी का जो दर्रा है ना वो ये है। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है और एक्चुअली यहाँ पे पूरा बंद कर रखा, आपको दिखाता हूँ मैं साइड से। ये देखो चलिए, यहाँ पे ताला लगा हुआ है, और ताला और ये गेट पता नहीं कब से लगा हुआ, जंग लगा हुआ पूरा, इसमें ताले भी जंग लगा हुआ, गेट भी जंग लगा हुआ, ये पता नहीं ये कब से लगा हुआ, क्या सीन है। बट जो मेन जो हल्दीघाटी का जो दर्रा है ना, इसको कहते हैं कि यहाँ पर हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था खतरनाक, महाराणा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, घमासान मारकाट हुई थी, वो यहीं हुई थी, यही ये वो अपना मेन हल्दीघाटी दर्रा। तो अगर अंदर चलते हैं अपन, अलाउड है नहीं लेकिन अपन चल चलते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी जंगली जानवर है। तो गाइज ये आ चुके अपन मेन हल्दीघाटी दर्रे में, ठीक है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये देखो, ये वही मेन दर्रा है जहाँ पे मतलब एक्चुअली में दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। अब अपन थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे, वो लड़ाई कब हुई थी, क्या सीन था, तो आपको मैं बता दूँ कि वो जो लड़ाई थी। तो गाइज ये जो हल्दीघाटी का युद्ध है ये हुआ था 18 जून 1576 को। उस दिन एक्चुअली में हुआ क्या था, आपको बता दूँ कि उस दिन जो महाराणा प्रताप थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, वो ये जो आपको देख रही है आगे बहुत खतरनाक जंगल है, उनकी सेना छापामार युद्ध करने में बहुत ही मतलब माहिर थी, क्योंकि उनके पास सेना थी नहीं ना, बहुत इतनी सेना थी नहीं, ऑलरेडी पहले वो लोग काम में आ चुके थे, तो नई नई सेना उन्होंने बड़ी मुश्किल सेना इकट्ठी करी थी। तो गाइज उनके पास सेना कम थी, तो उनकी जो भी सेना थी वो मतलब छापामार युद्ध करने में काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी थी, वो लोग छापा मार युद्ध करते थे। तो आपको ये दिख रहा है दर्रा बिल्कुल, एक्चुअली मैं थोड़ा आगे जा नहीं पाएंगे क्योंकि आगे काफ़ी घना जंगल, मना किया उधर जाने के लिए मेरे को। तो ये देखो आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, ये रास्ते से आगे वो पहाड़ियाँ हैं, एक पहाड़ी इधर है, ऊपर देखो एक पहाड़ी इधर है और एक वो पहाड़ी इधर है, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में से एक सकड़ा सा दर्रा निकलता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल देख रहा है आपको, सेम ऐसे पतली सी मतलब दर्रा निकलता है, सड़क निकलती है, उस सड़क में से अकबर की सेना, अब आपको बता दूं कि अकबर की सेना कहाँ टहरी थी वो आपको आगे बताऊंगा मैं। एक बादशाही बाग है वहाँ पे अकबर ने अपना डेरा डाल रखा था, ठीक है, तो वहाँ से अकबर की सेना इस साइड आ रही थी। तो जो महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे, उनके साथी थे, वो सारे साथी इन जंगलों में छुपे हुए थे, ठीक है, इन पेड़ों के पीछे, आगे अपन बात करें उसके पीछे, सब जगह मतलब महाराणा प्रताप के सैनिक छुपे हुए थे, ठीक है गाइस। तो वहीं से वो छापामार युद्ध करते थे, और आपको बता दूं यहाँ जब दर्रे के अंदर उन्होंने छापामार युद्ध किया था, तो अकबर की सेना आई थी, उस सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने, यानी कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने लगभग 6 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। यहाँ से लड़ाई करते करते उनको काटते हुए मारते हुए लगभग 6 किलोमीटर पीछे धकेल दिया था। और जो मेन युद्ध होता ना, जहाँ पे महाराणा प्रताप मतलब मेन जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वहाँ पे ले गए थे। और आपको बता दूं कि यहाँ जो हल्दीघाटी का जो बैटल हुआ था, कहीं लोग कहते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार गए थे, पर ऐसा नहीं है, हल्दीघाटी का युद्ध था, महाराणा प्रताप जीत गए थे। यहाँ से मतलब उन्होंने लगभग 6 किलोमीटर मुगलों की सेना को, अकबर की सेना को यहाँ से खदेड़ दिया था, ठीक है गाइज। तो कहते हैं ना हार गए थे, बट हारे नहीं थे वो, जीते थे, वो जो युद्ध हारे थे वो आगे वाला युद्ध था, जो यहाँ से उन्होंने मुगलों की सेना को आगे धकेल दिया था, लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर आगे उन्होंने मुगलों की सेना को धकेल दिया था। तो आगे आपको बताऊंगा मैं, जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे क्या कि वो लोग फिर, क्योंकि सेना कम थी उनकी, महाराणा प्रताप की सेना काफ़ी कम थी और अकबर के पास काफ़ी सैनिक थे, तो महाराणा प्रताप और उनके सैनिक, उनके जो सरदार थे, सारे क्या उस सेना के अंदर घुस गए थे, बिल्कुल बीच में बिल्कुल चले गए थे, महाराणा उसकी जो शाही सेना थी अकबर की, वहाँ तक वो लोग पहुँच गए थे और वहाँ फिर पूरा गिर गए थे। तो वहाँ पे फिर महाराणा प्रताप भी घायल हो गए थे, उनके कहीं योद्धा थे वो सब शहीद हो चुके थे, तो महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे, तो उन पूरी घायल अवस्था में वहाँ से, जो उनका घोड़ा था चेतक, वो भी घायल हो चुका था, लगभग पूरा घायल हो चुका था। वो घायल क्यों होता, उसके भी जो चेतक था, उसको चेतक को महाराणा प्रताप हमेशा हाथी की सूंड पहना के रखते थे, वो इसलिए पहना के रखते थे क्योंकि हाथी जो है अपने बच्चे पर कभी वार नहीं करता, तो हाथी को लगता था कि ये हाथी का बच्चा है, ठीक है। जब मानसिंह जी, राजा मानसिंह जी थे,
राजा मानसिंह जी, ठीक है। तो राजा मानसिंह जी हाथी पे बैठे होते और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप वो थे चेतक घोड़े पे। तो चेतक घोड़े ने मतलब अपने आगे वाले पांव हाथी के ऊपर जो सर होता ना हाथी का सर उस पर अपने पांव लगाते थे। तो वहाँ से महाराणा प्रताप ने भाला फेंका तो वो भाला सीधा जो महावर था ना जो हाथी को चलाता है उस महावर के सीधा लग के वो तो वहीं ढेर हो गया था। उसके बाद में सीधा वो मानसिंह जी लगने वाला था बट मानसिंह जी जो बैठ थे उसकी ओट में छुप गए थे इसलिए वो बच गए थे। लेकिन उसी टाइम चेतक का एक पैर कट गया था क्योंकि हाथी के जो सूंड थी ना उसके अंदर तलवार थी तो उसने चेतक का पैर काट दिया था। उसी टाइम हैंड टू हैंड चेतक महाराणा प्रताप को वहाँ से लेके और सीधा वहाँ से 8-9 किलोमीटर जो मैंने आपको दिखाया था समाधि स्थल वहाँ चला गया था चेतक, ठीक है। वहाँ पे एक बीच में नाला पड़ता है वो माना पिछले वाले ब्लॉग में मैंने वो नाला दिखाया था। उस नाले को पार करके और वहाँ से भी लगभग 600 मीटर आगे जाके वहीं चेतक शहीद हो गया था और वहीं पे चेतक की समाधि बनाई हुई। महाराणा प्रताप ने स्वयं अपने हाथों से सत्य सिंह जी के साथ जो उनके भाई थे उनके साथ में चेतक के वहाँ पर दाह संस्कार किया था और वहाँ पर समाधि बनाई थी। तो गाइज यह थी यहाँ की कहानी। और अपन बात करें कि यहाँ पर मतलब कौन कौन शहीद हुए थे तो हाँ एक चीज़ हो रहा है जो मुझे बतानी थी। महाराणा प्रताप को आपने देखा होगा कहीं चित्र भी देखा होंगे एक वो थे बहलोल खान जो उनके वो थे अकबर के सेनापति थे उनको महाराणा प्रताप ने घोड़े सहित अपनी तलवार से दो चीर कर दिए थे बिल्कुल फाड़ के दो कर दिए थे बिल्कुल बीच में से। तो आप सोच सकते हो महाराणा प्रताप कितने बड़े बलशाली और कितना मतलब भारी भरकम शरीर हुआ कितने वो साहसी थे कि उन्होंने उसी हल्दीघाटी की धरती पर खड़े हैं। तो गाइज ये था हल्दीघाटा वाला ब्लॉक, ठीक है। और आपको वो जगह बताता हूँ जहाँ पर मतलब लड़ाई होने के बाद पूरी ज़मीन खून से लाल हो गई थी। तो गाइस देख रहे हो हल्दीघाटी की जो मिट्टी एकदम पीली है देखो आप थोड़ी सी आपको हाथ में लेके दिखाता हूँ मैं क्योंकि हाथ में आएगी नहीं क्योंकि मिट्टी है यहाँ पे। ये देखो आप पूरी मिट्टी एकदम पीली पीली सी है हाथ में लेके देखोगे आप हल्दी के जैसे हल्दी का कलर होता है ना वैसे मिट्टी है पूरी है। ये देखो गाइस ठीक है हल्दी की जैसी पूरी मिट्टी मतलब पीली पीली मिट्टी है इसलिए इसको हल्दीघाटी कहते हैं। एक गुफा है जिस गुफा में महाराणा प्रताप रहा करते थे युद्ध के बाद। अब आगे बताता हूँ आपको वो तालाब जो मतलब पूरा पाउंड बन गया था खून से भर के वो वाला तालाब देख रहे हो ऊपर सामने दिखा गया वो देखो देखा वो देखो गाइस यहाँ से फोटो तो बनती है क्या ना।